छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का इस वक्त SGPGI लखनऊ अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टर से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि मंत्री रविन्द्र चौबे को हार्ट अटैक आया था और कल उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। उनका ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट नॉन रिकॉर्डर था और बॉडी के सारे सिस्टम फेलियर में थे, मगर करीब 24 घंटे का इलाज हुआ। कुछ रक्त संचार प्रक्रिया इम्प्रूव हुई, जिससे चीजें बेहतर है। उन्होंने आगे कहा कि मंत्री रविन्द्र चौबे अभी बात कर रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, लेकिन अभी भी किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन डिरेंज है। उन्हें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही है और समय लगेगा, जैसे ही कुछ इम्प्रूवमेंट होगा वैसे ही आगे के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। नमस्कार, ये रविंद्र चौबे जी हमारी ट्रीटमेंट में हैं संजय गांधी PGI में। मैं कार्डियोलॉजी में अध्यक्ष हूँ। तो ये कल आए थे, हार्ट अटैक हुआ था, स्थिति कल तो बहुत ज़्यादा गंभीर थी, ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट नॉन रिकॉर्डेबल था और मतलब बाकी सारे बॉडी के सिस्टम्स भी पूरे फेलियर में थे, मगर 24 घंटे का भी इलाज हुआ है करीब, तो कुछ हीमोडायनेमिक्स इम्प्रूव हुई हैं, चीज़ें बेहतर की तरफ हैं, कॉन्शियस हैं, बात करते हैं, एंड ऑक्सीजनेशन सही है, ब्लड प्रेशर भी करीब ठीक रह रहा है, लेकिन अभी भी किडनी का फंक्शन डिरेंज है, लिवर का फंक्शन डिरेंज है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है और समय लगेगा और उम्मीद करते हैं कुछ और इम्प्रूवमेंट हो और जैसा इम्प्रूवमेंट होगा उसी के हिसाब से आगे की। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाई प्रोफाइल विराट अपहरण कांड के मुख्य साजिशकर्ता विराट की बड़ी मम्मी को पुलिस ने जेल दाखिल कर दिया। पुलिस के सामने अपराध कबूलने के बाद रविवार को नीता सराफ को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं मामले में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मुख्य सरगना अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें कि करबला भाजपा कार्यालय के सामने रहने वाले बर्तन व्यवसायी विवेक सराफ के 6 वर्षीय बेटी को पुलिस ने शुक्रवार की तक सुबह मिनी बस्ती में एक मकान से बरामद किया। अपहर्ता उसे यहां अपनी निगरानी में बंद कर रखा था। इस कांड का मुख्य आरोपी राजकिशोर सिंह अपने साथी सतीश शर्मा रतनपुर व हरिकृष्ण राय बिहार भोजपुर व अनिल सिंह राजपूत यदुनंदन नगर के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। राजकिशोर सिंह को छोड़कर बाकी तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विराट के पिता विवेक सराफ के रिश्ते में भाभी लगने वाली नीता सराफ का ही इस अपहरण में शामिल होने का पता चला, तो शुक्रवार को पुलिस ने उनके घर से हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार नीता की जान पहचान काफी दिनों से अनिल सिंह से थी। क्या कहना है आपका? क्या कहना है? नहीं कहूंगी कि मेरा लाडला सही सलामत आ गया और बाकी मेरे पास शब्द नहीं है इस समय कह रहे कि मैं कितनी खुश हूँ अपने बच्चे के लिए कि मैं TV1 इंडिया न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि नान घोटाला और कोयला घोटाला के बाद छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े घोटाले आबकारी घोटाले में 1500 करोड़ के गोलमाल से भाजपा के 15 वर्षों के शासनकाल में की गई लूट, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी स्पष्ट हो गई है। आरोपी समुद्र सिंह के घर छापे में बरामद अकूत धन संपदा 15 वर्षों तक की गई छत्तीसगढ़ की लूट का जीता जागता सबूत है। वहीं संविदा के अधिकारियों के द्वारा सैकड़ों करोड़ का गोलमाल जिस तरह से किया गया, उससे सत्ता के शीर्ष के संरक्षण में छत्तीसगढ़ की जनता के खजाने की गई लूट उजागर हो गई। वहीं लूटने वाले अधिकारी सेवा समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ से बाहर जा बसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ से उनका नाता सिर्फ जनता के खजाने के लूटमार तक ही सीमित थी। इन संविदा अधिकारियों को छत्तीसगढ़ से नहीं था कोई सरोकार और इन्हें सिर्फ नौकरी को और राजनीति को बनाया पैसों का व्यापार। TV1 इंडिया न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री TS सिंहदेव को पत्र लिखा है।
उन्होंने सीएम बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का उल्लंघन कर अनुसूचित दवा कंपनियों से 103 प्रकार की दवा खरीदी, वहीं कर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने पत्र में लिखा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के संचालन के लिए भारत सरकार करोड़ों रुपए आवंटित करती है। उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 1 और 2 में योजना के अंतर्गत 103 प्रकार की दवा खरीदी 16% छूट के साथ भारत सरकार के पास संस्थानों से किए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कमीशन खोरी में लिप्त अधिकारी महंगी कीमतों पर उन्हीं दवाओं को अन्य कंपनियों से खरीद रही है और शासन को हर साल करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने लिखा है कि इस संबंध में पूर्व मंत्री ननकी राव कंवर ने प्रमुख सचिव और देश के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को सूचित किया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सेवाओं को निर्देश जारी कर गैर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए अनुशंसा करें। साथ ही भारत सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद उन 103 दवाइयों को 5 सरकारी क्षेत्र की दवा कंपनियों से न खरीद कर अपने हित के लिए अन्य कंपनियों से दवा खरीद कर शासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर शेरा क्लब के युवाओं ने वाहन चालकों को समझाइश के लिए अनोखी पहल की। स्थानीय एसडीएम कार्यालय के समीप अपना पांडाल लगाकर सभी दोपहिया चालकों को रोककर उन्हें गर्मी से राहत के लिए शरबत पिलाया और यातायात नियमों का हवाला देते हुए सभी वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर सुरक्षित चलने की सलाह दी। वहीं इनकी इस मुहिम में डोंगरगांव पुलिस ने भी पुलिस जनमित्र के तहत भरपूर सहयोग प्रदान किया और आम नागरिकों से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इन दिनों डोंगरगांव शहर में बढ़ते सड़क हादसे में चिंताजनक बढ़ोतरी को लेकर शेरा क्लब के युवाओं ने गंभीरता दिखाते हुए एक अच्छी पहल की शुरुआत की, जिसके तहत डोंगरगांव थाने के सामने स्थानीय पुलिस के सहयोग से आवागमन कर रहे दुपहिया वाहन चालकों को रोककर शरबत पिलाकर उन्हें समझाइश के साथ चेतावनी दी गई कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। वहीं सीमित स्पीड में चले, रात्रि के समय अपर डिपर का प्रयोग अवश्य करें और दुपहिया वाहन में 3 सवारी सफर न करें। इस दौरान रोके गए कुछ दंपतियों में महिलाओं को विशेष कर समझाइश दी गई कि घर से निकलते समय अपने पति को पहले हेलमेट जरूर दें। कुछ वाहन चालकों को नंबर प्लेट निर्धारित नियमों के तहत ठीक करवाने की चेतावनी दी। इस दौरान मौके पर उपस्थित स्थानीय पुलिस ने वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए यातायात नियमों के कड़ाई से पालन करने को कहा। सर ये सर हेलो, आप इन लोगों को बोलो कि जब भी निकले ये कैसे शरबत वगैरह कैसे पिला रहे हैं। आपकी सुरक्षा पहला, ठीक है, फैमिली को ज्यादा दिक्कत होता है, इसलिए हेलमेट जरूर लगाइए। जितने यातायात नियम है उसका पालन करिए। आपको बढ़िया शरबत पिला के सेरा क्लब डोंगरगांव और डोंगरगांव पुलिस की ओर से आपको बधाई दी जा रही है, ठीक है। आपकी और फैमिली की सुरक्षा यातायात नियमों का पालन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कभी भी आइएगा, यातायात नियमों का पालन करिएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।